हेलो एवरीवन, देखते हैं आपके पार्टनर की आज की एनर्जी कैसी रहने वाली है। आपके पर्सन का आज का दिन कैसा रहेगा, मूड कैसा रहेगा। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड। ये कहीं दूर की यात्रा कर सकते हैं, कहीं ट्रैवल करने जा सकते हैं, किसी चीज का, किसी सिचुएशन में कोई साइकिल इनका आज के दिन में पूरा हो रहा है, जिसको लेकर ये काफी ज्यादा डेडिकेटेड रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व रहे हैं। ठीक है, आपको भी इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, कोई फाइनल कमिटमेंट, कोई फाइनल कम्युनिकेशन, कोई फाइनल डिसीजन की भी वाइब्स है यहां पे। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आज के दिन में इनका करियर बहुत अच्छा रहेगा, अपने करियर को लेकर ये बहुत ज्यादा खुश हो सकते हैं, हैप्पी फील कर सकते हैं कि जो इनको अचीव करना था वो इन्होंने अचीव कर लिया, या ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनको अप्रिशिएशन मिल रहे हैं हर तरफ से। तो यहां पर एनर्जी है आपके पर्सन की रिलैक्सेशन की भी, हैप्पीनेस के साथ में। ये इंडिपेंडेंट होकर आपकी तरफ कोई डिसीजन, कोई एक्शन ले सकते हैं या ले सकती हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये भी बता रही है कि ये आपकी तरफ फिजिकली काफी ज्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे। इवन यहां पे ऐसा भी है कि ये कहीं शॉपिंग करने निकल जाए, खुद के ऊपर कुछ इन्वेस्ट करें, खर्चे करें। खर्चा वही करेगा जिसके पास होगा, है ना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कुछ लोगों के पार्टनर को करियर में बड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। जिनका करियर अच्छा नहीं चल रहा है वो झूलेंगे और वो मेहनत बहुत ज्यादा करेंगे, हर छोटी छोटी चीज को लेकर सोचना। इवन ये एनर्जी कुछ लोगों के साथ इस तरीके से भी रेजोनेट कर सकती है कि आप पार्टनर से कुछ मांगें, कोई गिफ्ट या कुछ ऐसा शो करें कि देखो उसको ये मिला है या उसको ये दिया गया, और आपके पर्सन आपको बोल दे देखो भाई मेरा बजट नहीं है, या आप कुछ चाहें और वो ये ना करें, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो नॉट इन एक्शन मोड वाली रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ फाइव ऑफ सॉर्ड्स। आज के दिन में अगर आपके पार्टनर के साथ ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी बरकरार रहेगी। जिनके नहीं हुए हैं उनके झगड़े एक्सपेक्टेशंस के चलते हो सकते हैं, तो अवेयर रहिएगा। कोई भी चीज नेगेटिव स्प्रेड करने की जरूरत नहीं है, आपकी पॉजिटिविटी से ही कोई भी व्यक्ति, चाहे आपके पर्सन है, इस ब्रह्मांड की कोई भी ऊर्जा है, शक्ति है, अट्रैक्ट हो सकती है। नेगेटिविटी से सिर्फ आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, वो भी आप, ना कि कोई और। आपकी तरफ जिसको आना है, जो चीजें आएंगी, कोशिश करें कि वो पॉजिटिव आए। आपकी पॉजिटिविटी से, पॉजिटिविटी से, पॉजिटिव थॉट से ही कोई अट्रैक्ट होगा। ऑलवेज रिमेम्बर, जितने पॉजिटिव आप होंगे उतने हायर सोल्स को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, मास्टर सोल्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आज के दिन में पार्टनर आपके साथ लव लाइफ में कोई बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं आपके साथ इक्वली, जैसे कि खुद से कॉल मैसेज करना, खुद से मिलने बुलाना, खुद से एफर्ट लगाना। जिस बंदे के लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते थे, वो ये बंदा या बंदी खुद से सामने से चीजें करे, ये एनर्जी रेजोनेट करेगी काफी लोगों से। पार्टनर कि एनर्जी बैलेंस की तरफ है आपके साथ इस रिश्ते को लेकर। ये अपनी लाइफ में अपने फाइनेंसेस और अपनी प्रोफेशनल और फैमिली लाइफ को भी सेपरेट करके इक्वली इन्वेस्ट कर सकते हैं आज के दिन में। और एक लास्ट कार्ड देखेंगे, दैट इज फाइव ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपके साथ सेपरेशन में है तो परेशान फील करेंगे, लॉस्ट फील करेंगे, इनको फाइनेंशियल लॉसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। अगर इनको हाल ही में कोई नुकसान हुआ है या हो सकता है आज के दिन में, तो इनको वो चीज बहुत हिट हो सकती है कि यार मेरा तो ये खो गया, या मुझे तो इतना बड़ा लॉस हो गया, जेब से पैसे खो गए, कुछ इस टाइप की भी एनर्जीज यहां पे हैं। एक और लास्ट लेते हैं हम, टेम्परेंस। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस भी है, मतलब आज के दिन में लकी वंस पार्टनर की तरफ से कोई बैलेंस्ड एक्शन, पीसफुल रिजोल्यूशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रिकंसिलेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सामने से अपनी ही तरफ से कोई एफर्ट लें और आपको कोई भी एफर्ट लेने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, सो गाइज, ये थी आपके पार्टनर की आज की एनर्जी। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।